मेन इन ब्लू नोज नो बाउंड्री, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी आईपीएल की शुरुआत अपने समय अनुसार होने जा रही है और साथ ही इस एंट्री को और भी विराट बनाने के लिए इस सीजन की पहली फाइट होगी इंडियन कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे इस क्रिकेट कार्निवल का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम में शाम 7:30 बजे से होगा, जहां डिफेंडिंग चैंपियन और आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस का सामना होगा 3 बार की रनर अप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। वेल, लेट्स स्टार्ट विद मुंबई इंडियंस। द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, चेक। 5 IPL ट्रॉफीज, चेक। बैलेंस स्क्वाड लाइक ऑलवेज, चेक। एक्सेप्शनल कैप्टेंसी, अ बिग बिग चेक। एंड द क्रेडिट गोज टू रोज सुपरहिट मैन शर्मा, यानी रोहित शर्मा। स्टार स्टडेड मुंबई इंडियंस की डिक्शनरी में अब इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन जब किसी के लिए ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो खोने के लिए बहुत कुछ होता है। तो इस साल भी मुंबई को अपना ताज बचाने और लगातार 3री बार चैंपियन बनने जैसा रिकॉर्ड हासिल करना है। ऐसे में मुंबई के लिए ये जर्नी और भी मुश्किल होने वाली है, लेकिन इस जर्नी को थोड़ा और आसान बनाने का जिम्मा होगा ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, क्वेंटन डिकॉक और पोलार्ड के कंधों पर। क्योंकि ये तो हम सब ही जानते हैं कि रोहित, बुमराह और हार्दिक तो अभी तक मुंबई इंडियंस को सुपरहिट फ्रेंचाइजी बनाने का काम सालों से करते आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात करें आरसीबी की, जिनके फैंस की लॉयल्टी का लेवल विराट और एबी डिविलियर्स के बराबर का कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 बार की रनर अप आरसीबी अब उनके फैंस और खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक टीम ही नहीं है बल्कि एक इमोशन बन गई है। जहां एक तरफ मुंबई के लिए इस साल पाने से ज्यादा गंवाने के लिए काफी कुछ है, तो वही आरसीबी के पास पाने के लिए बहुत कुछ और गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब ऐसे हालात किसी टीम के लिए पैदा होते हैं तो वो हालात आपको फियरलेस बना देते हैं। तो इस साल इस फियरलेस टीम को टेबल टॉपर बनाने और पहली बार ताज अपने सर सजाने का काम करेंगे द मिलियन डॉलर बेबी ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पडिकल और नवदीप सैनी। एंड वी ऑल होप दैट दीज प्लेयर्स फाइनली पुट अ स्टॉप टू द नेवर एंडिंग ड्रॉट ऑफ आरसीबी'स चेज टू आईपीएल टाइटल। तो ये बात हुई फर्स्ट क्लैश की, लेकिन अब बारी सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स की। द चेन्नई आउटफिट अंडर एमएस धोनी विल वांट टू बैनिश मेमोरीज ऑफ अ डिजास्ट्रस 2020 सीजन एंड परफॉर्म इन अ मैनर बीफिटिंग इट्स स्टेटस एज 3-time चैंपियन। Hauling yourself up from a hole is never easy, and so CSK has the ability to hit back under its charismatic skipper MS Dhoni. They have qualified for the playoffs in every season of the IPL until 2020, a truly remarkable feat. If we address the issue, then batting was a major problem area for CSK last season. A. No Suresh Raina, who is now back. B. There is a lack of depth in their batting order. Lekin agar positives ki baat kare, तो ऋतुराज कॉयकॉर्ड वॉज फाइंड ऑफ द सीजन। इसके अलावा दो बड़ी खरीद के गौतम और मोइन अली सीएसके में बने इस वॉइड को भरने के काम आ सकते हैं। इसके अलावा फाफ और धोनी की मौजूदगी टीम की बैटिंग को और डेप्थ देगी। एंड यस, द एक्स फैक्टर सैम करन, एन एब्सोल्यूट इम्पैक्ट प्लेयर, कैन डीरेल एनी साइड एट एनी स्टेज ऑफ द गेम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की टीम कई मायनों में पूरे आईपीएल की सभी टीमों से अलग लेन में खड़ी होती है, जिसके पीछे हाथ है उनकी शानदार बॉलिंग अटैक, इंटरनेशनल टैलेंट और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ग्रुप का। वहीं कुछ ही दिन पहले मिचेल मार्श की जगह जेसन रॉय को टीम के साथ जोड़ा गया है, जिसके बाद अब उनकी बैटिंग भी नियरली इनविंसिबल दिखाई पड़ती है। एक तरफ जॉनी बेस्ट्रो, डेविड वार्नर और केन विलियमसन पहले से ही टीम के साथ हैं, ऐसे में जेसन रॉय की एंट्री ने एक बार फिर से हैदराबाद को ट्रॉफी का टॉप कंटेंडर बनाकर दिखा दिया है। वैसे हैदराबाद ही नहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी इस सीजन कुछ फेरबदल करने का दम रखती है। वहीं पिछली बार आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार दिल्ली ने फाइनल खेला था, तो वो 2 सीजन से काफी कंसिस्टेंट भी है। इस सीजन इंजर्ड होने के चलते श्रेयस अय्यर फिलहाल बाहर है, तो उनकी जगह ऋषभ पंत नए कप्तान है, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा कगिसो रबाडा एंड रिग नॉर्किया की मौजूदगी दिल्ली की गेंदबाजी को और भी मजबूत बनाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राजस्थान रॉयल्स, द विनर ऑफ इनॉग्रल आईपीएल। फॉर आईपीएल 2021, रॉयल्स विल ब्रेस फॉर देयर सेकेंड टाइटल विद संजू सैमसन इन देयर रैंक्स। नो टीम शुड एवर फॉरगेट दैट अ ब्लिस्टरिंग बेन स्टोक्स एंड जॉस बटलर कैन टेक ऑन द ऑपोजिशन सिंगल हैंडेडली। आफ्टर द फर्स्ट टाइम विनर्स, लेट्स वेयर अ कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स पंजाब किंग्स। Rebranding is an essential tool to bring about a change in fortunes.
it worked for Delhi Capitals in the Indian Premier League. Most of its daredevilry began after being renamed. Punjab Kings dropped the 11 tag to underline the importance of one unit. Playing under a new name and logo in IPL 2021, they did hope to go all the way and conquer their maiden IPL trophy under the captaincy of KL Rahul, Mayank Agrawal, Nicholas Puran, Ravi Bishnoi and Jay Richardson will be raring to go with the gun blazing to kiss the trophy for the first time ever. Talking about the Korbo Lorbo Jeetbo franchise, Kolkata Knight Riders have won the Indian Premier League twice in 2012 and 2014. Both these wins arrived when Gautam Gambhir was leading the side, their most fruitful phase in IPL history. KKR is now led by England's World Cup winning captain Owen Morgan, who was given charge of the team mid-season in IPL 2020. His troops, fast-rising youngster Shubman Gill, mighty Andre Russell, all-purpose Shakib Al Hasan, fury Pat Cummins and lion-hearted Harbhajan Singh will definitely look to bring back the old golden days for Kolkata. This was all from IPL Cricket Carnival. If you have a knack for the tournament and love trivias related to it, don't worry, we have got you back. Keep following ETV Bharat Sports on Facebook, Instagram and Twitter. For more information, log on to www.etvbharat.com. Cheers.